तो टीएक्स के पास चांसेस हैं कि वो जा सकते हैं। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह मस्त होने वाली है। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पर कर देना वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एडबेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर थे, टीम एक्सपार्क पे खतरे की घंटी है जरूर। तो आओ ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। राइवलरी एंड टीएक्स, तो राइवलरी भी बाहर है, टीएक्स भी बाहर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइवलरी भी बाहर है, टीएक्स भी बाहर है। तो अगर मार्कस गेमिंग ने सच में 80-90 पॉइंट्स नहीं लिए तो टीएक्स के पास चांसेस हैं कि वो जा सकते हैं। बट अगर मार्कस गेमिंग ने सच में 80-90 पॉइंट्स निकाल दिए तो फिर टीएक्स एंड राइवलरी दोनों बाहर। ये एक टीम जो ऊपर जाएगी, बाकी तो खैर ये दोनों टीमें बाहर होंगी, एक टीम ऊपर। अगर ये दोनों टीमें बाहर होती हैं तो हमारे पास बचेंगी टोटल 14 टीमें। ऑलरेडी हमने टीएफ को टॉप 16 में कंसीडर कर रखा है, 15 हो गई, एक स्लॉट बचा हुआ था। तो अगर ये बहुत अच्छा, एक और चीज़ रहेगा, 149 ही क्यों, अगर 126 भी उन्हें क्रॉस करना है तो इनके पास टोटल 57 है, मतलब 60 भी लेके चलते हैं तो 6-6-12, हाँ तब भी उनको 60-70 पॉइंट्स चाहिए होंगे। टीएक्स को पीछे करने के लिए भी उनको 60-70 पॉइंट। ए मार्कस गेमिंग 60-70 पॉइंट्स निकाल सकती है यार, इजी निकाल सकती है। ग्लोबल वाले भी 60-70 पॉइंट्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 70 नहीं, कम से कम इनको 90 चाहिए होगा,